गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। भारत की महान व्यक्तित्व पांच उन्नीस, जिसका नाम है डॉक्टर विश्वेश्वराय। बच्चों, आपने डॉक्टर विश्वेश्वराय का विशेषता को हम जानेंगे। पता है बच्चों, प्राचीन काल में हमारे देश में एक ऋषि हुआ करते थे जिसका नाम था भागीरथ। भागीरथ जो है अपने तपोवन के कारण इस धराधाम को पावन कर दिया, बंजर को भी हरियाली बना दिया। कारण क्या है? उनके तपोवन के कारण ये भारत की भूमि उपजाऊ हो गई। उनके तपस्या से ईश्वर ने वरदान दे दिया कि पृथ्वी पे गंगा जी का वास हो। तो वो प्राचीन काल के तपोवन ऋषि थे जिनके कारण भारत आज भी खुशहाल है। लेकिन बच्चों, आधुनिक युग में, आधुनिक काल में जो हमारे के डॉक्टर विश्वेश्वराय हैं, वो उन्हीं की भांति आज भी अमर हैं। तो बच्चों, आज हम उनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म 15 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। तो बच्चों, उन्होंने अपने कार्यकाल को, अपने धराधाम को, अपने पूर्वजों को किस तरह से सम्मानित किया और अपने देश को किस तरह से आगे बढ़ाया, हम उनके माध्यम से जानेंगे। पढ़ेंगे पाठ 29। डॉक्टर विश्वेश्वराय को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, प्राचीन काल में महाराज भागीरथ ने अपने तपोवन से गंगा को धरती पर उतार कर अपने पुरखों के उद्धार के साथ ही जन सामान्य का कल्याण भी किया। आधुनिक युग में डॉक्टर विश्वेश्वराय ने अपनी योग्यता और कर्मठता से मानव जीवन को जल का अपरिमित वरदान प्रदान किया। उन्होंने करोड़ों एकड़ बंजर धरती को उर्वरा तथा अनेक उच्छृण खल नदियों को अपनी मर्यादा में बहने के लिए विवश कर दिया। जी हाँ बच्चों, आप देखिए बच्चों, ये डॉक्टर विश्वेश्वराय हैं और भागीरथ की जो मैं बात कर रही हूँ, वो तपस्वी थे जिनकी वजह से आज हम जल का रसपान कर रहे हैं। डॉक्टर विश्वेश्वराय का जन्म मैसूर प्रदेश के बुंदेलनली गांव में 15 सितंबर सन 1861 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम मोक्ष गुडमन विश्वेश्वराय था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। जी हाँ बच्चों, इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उन्हें देश की सेवा करने के लिए 100 वर्ष का सुदीर्घ जीवन प्राप्त हुआ। डॉक्टर विश्वेश्वराय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल इंजीनियर, विख्यात स्थापत्यविद, नए नए उद्योग धंधों के जन्मदाता, शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और देशभक्त थे। सादगी और स्वाभिमान में वे बेजोड़ थे। जी हाँ बच्चों, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है देशभक्त और दूसरी बात है स्वाभिमान। प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। डॉक्टर विश्वेश्वराय का जीवन साहस, संघर्ष और सफलता की अनुपम कहानी है। जी हाँ बच्चों, जो संघर्ष करता है और जिसका जीवन साहस भरा होता है, वही सफलता उसके कदम चूमती है। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन अभाव तथा संकटों में बीता, किंतु उन्होंने साहस का दामन कभी नहीं छोड़ा। बेंगलोर में पढ़ते समय दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाकर कमाए हुए धन से वे अपना काम चलाते थे। परीक्षाओं में प्रथम आने से मिलने वाली छात्रवृत्ति से भी उनकी आर्थिक समस्या का समाधान होता था। जी हाँ बच्चों, वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे जिनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी। इस प्रकार विश्वेश्वराय अपने परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठ और धैर्य के बल पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने असंभव कार्य को भी संभव करने की अपार क्षमता अर्जित की। उनके जीवन के अनेक रोचक प्रसंग हैं जो उनकी मौलिक सूझबूझ और प्रतिभा को उजागर करते हैं। 1893 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने विश्वेश्वराय की अग्नि परीक्षा ली। मुंबई यानी बम्बई जो पहले हुआ करती थी सरकार, उन दिनों सिंध की
शक्कर जल योजना को यथाशीघ्र पूरा करना चाहती थी, किंतु जो अंग्रेज इंजीनियर उस काम की देखरेख कर रहा था उसकी अचानक मृत्यु हो गई। कार्य रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि जो इंजीनियर था उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए कार्य रुक गया। अंग्रेजों की दृष्टि में उस समय भारतीय लोग ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य समझे जाते थे, किंतु तत्काल कार्यक्रम के लिए कोई अंग्रेज इंजीनियर उपलब्ध नहीं था। अंग्रेजों ने इस नवोदित भारतीय इंजीनियर को यह कार्य परीक्षा के रूप में सौंपा। सिंधु की चिलचिलाती हुई धूप में विश्वेश्वरैया ने बड़ी योग्यता पर करमकट्ठा से इस कार्य को समय के भीतर ही पूरा करके अपनी योग्यता प्रमाणित कर दी। मुंबई यानी कि बंबई के तत्कालीन गवर्नर ने उनके उद्घाटन के अवसर पर इस भारतीय इंजीनियर की भूरी भूरी प्रशंसा की। हैदराबाद शहर के बीच में मूसा नदी बहती है। 28 सितंबर 1908 ईस्वी में इस नदी में बहुत बाढ़ आई, जिसे 2000 से अधिक लोग बह गए। तत्कालीन हैदराबाद के निजाम ने सरकार से अनुरोध किया कि भविष्य में बाढ़ से बचाव के लिए सुझाव देने हेतु किसी योग्य इंजीनियर की सेवा उपलब्ध करा दे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया उस समय इटली में थे। मुंबई के गवर्नर ने उन्हें तार भेजकर कहा, हैदराबाद के उद्धार के लिए हम आपसे भारत लौटने का अनुरोध करते हैं। भारत लौटने लौटकर वे हैदराबाद पहुँचे। उन्होंने उछखल मूसा नदी पर बांध बांधकर जलाशयों का निर्माण कराया और जन धन का विश्वास करने वाली मूसा नदी को हैदराबाद के लिए वरदान बना दिया। विश्वेश्वरैया ने तत्कालीन मैसूर राज्य की सिंचाई योजना संबंधी अनेक कार्य किए। कावेरी नदी पर बना कृष्ण राज सागर उनकी अक्षय कीर्ति का स्मारक है। 130 फुट ऊंची इस बांध में 48 करोड़ घन फुट पानी जमा हो सकता था तथा 150,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी। 1912 ईस्वी में बने इस बांध का जलाशय देश का सबसे बड़ा जलाशय था। इसे देखकर महात्मा गांधी ने कहा था कि केवल कृष्णराज सागर ही जो संसार में अपनी तरह का एकमात्र जलाशय है। सर विश्वेश्वरैया की स्मृति को चिरस्थायी बनाई रखने में समर्थक है। आर्थिक विकास और उद्योगीकरण के क्षेत्र में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने महत्वपूर्ण कार्य किए। उनका दृढ़ मत था कि देश का औद्योगिकरण करो या मरो, जिस समस्या का आज देश सम्मान कर रहा है उसका पूर्वाभास उन्हें हो गया है। उन्होंने तत्कालीन मैसूर राज्य में बैंक मैसूर, चिंबक ऑफ कॉमर्स, चंदन तेल कारखाना, सरकारी साबुन कारखाना आदि उद्योग आरंभ किए थे। भद्रावती के प्रसिद्ध लोहा पर लोहा और इस्पात कारखानों की योजना डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने ही तैयार की थी। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की मान्यता थी कि उचित शिक्षा ही देश की आर्थिक अव्यवस्था को दूर कर सकती है। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति प्रयत्नशील रहे। जीवन के सवे वर्ष में पदार्पण करने पर उन्होंने अपने एक मित्र से कहा था, भारत कैसे उन्नति कर सकता है जबकि उसकी 80% जनता अनपढ़ है। वे कहते थे कि सभी प्रकार की प्रगति का आधार शिक्षा ही है। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की नींव डाली। यह भव्य विश्वविद्यालय जब बनकर तैयार हुआ तो मैसूर के महाराज ने अपनी प्रजा की ओर से इस अवसर पर
डॉक्टर विशेष सौरैया की मुक्त कंठन से प्रशंसा करते हुए कहा था कि डॉक्टर विशेष रैया की देशभक्ति उत्साह और कर्म शक्ति के कारण ही हमने स्वप्न का साकार रूप देखा है। यह विश्वविद्यालय अपने निर्माता को सदैव स्मरण करता रहेगा। डॉक्टर विश्वेश्वरैया देशभक्त और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपने पूना निवास काल में वे न्यायाधीश राणा डे गोखले तथा तिलक के संपर्क में आए और देश स्वदेशी प्रभाव में रंग आए। अंग्रेजों ने उनकी तारीफ के पुल बांधे, उन्होंने प्रलोभन दिया, किंतु वे जानते थे कि गुलामी की रोटी कितनी दुखद है। 47 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और जीवन का शेष भाग स्वतंत्रता पूर्वक मानव सेवा में लगाया। वह देश हित में सबसे ऊंचा स्थान देते थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की योग्यता और क्षमता का प्रचार प्रसार विदेशों में भी खूब हुआ। उन्हें अनेक बार विदेशों में सम्मानित किया गया। 1920 ईस्वी में अमेरिका यात्रा पर एक रोचक प्रसंग है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री से मिलने गए और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने कुछ सुझाव मांगे। उस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया और विश्वेश्वरैया के साथ आए हुए सहायक के कान में कहा, इन महाशय को बताइए कि ये अपने देश वापस जाएं और अपने देश के संविधान को एक राष्ट्रीय सरकार के संविधान में बदलें, तब पास आए। उस अमेरिकी अर्थशास्त्री का व्यंग सुनकर विश्वेश्वरैया को बहुत आघात लगा और उन्होंने मन ही मन देश को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। किसी भी दबाव में वे सत्य मार्ग से विरक्त नहीं होते थे। 1929 ईस्वी में मुंबई तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षण समिति के सदस्य के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। इस समिति में अंग्रेज सदस्यों की संख्या 10 थी और भारतीयों की 7। अंग्रेज सदस्य भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा के विरुद्ध थे, किंतु डॉक्टर विश्वेश्वरैया इसके प्रबल समर्थक थे। लॉर्ड लायन ने डॉक्टर विश्वेश्वरैया को प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया, परंतु देशभक्त डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने उनकी एक न सुनी। अंत में डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सुझाव को विश्वविद्यालय को मानना पड़ा और मुंबई विश्वविद्यालय में उच्च न्याय रासायनिक तकनीकी विभाग खोलने का निश्चय किया गया। वे सरल, सज्जन, उदार और मेधावी पुरुष थे। उनका जीवन सादगी और सद्व्यवहार का प्रतीक था। वे भारतीयता का हृदय से आदर करते थे। वृद्धावस्था में भी वे आगंतुओं को बरामदे तक छोड़ने जाते थे। उनकी वाणी मिठास, उनका निश्चल व्यवहार और आकर्षक व्यक्तित्व मिलने वालों पर अपना अमित प्रभाव छोड़ता था। भारत स्वतंत्र हुआ तो देश ने इस महान रत्न का हार्दिक सम्मान किया। अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी। भारत ने इन्हें सर्वोच्च भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया, इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया आधुनिक भारत के महान कर्मयोगी थे। कर्म को ही वे पूजा और धर्म को मानते थे। भारतीय संस्कृति और आचार विचार में उनकी महान आस्था थी। ब्राह्म्य आडंबर का उन्होंने सदैव विरोध किया। एक बार जब ये यात्रा कर रहे थे तो उनके एक मित्र ने एक भव्य मंदिर के पास कार रोक दी और चाहा कि डॉक्टर विश्वेश्वरैया उनके साथ भगवान के दर्शन करने चले। वे मंदिर के अंदर नहीं गए और मंदिर की अस्थाप्य कला का निरीक्षण करते हुए मित्र के लौटने पर उन्होंने कहा, भगवान जब हमें अपने अपने काम करने का आदेश देता है तो वह हमसे अपनी पूजा नहीं बल्कि हमारे कर्तव्य की पूर्ति चाहता है। डॉक्टर मोच गुंडमन विश्वेश्वरैया भारत माता के अमर पुत्र हैं। शताब्दियों तथा भारतवासियों उनके महान कार्यों का स्मरण कर प्रगति की प्रेरणा गाते रहेंगे। जी हाँ बच्चों, देखा आपने डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने कितना तेज, कितना प्रबल शक्ति, कितनी उत्कंठा थी अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और अपने देश को तकनीकी मामलों में
प्रगति करने के लिए उन्होंने किस तरह से मुंबई में रासायनिक का उद्योग, रासायनिक के बारे में उन्होंने प्रयत्न किया और सफलता भी उनको प्राप्त हुआ। तो बच्चों, हमें भी अपने जीवन में इसी तरह प्रयत्न रहकर प्रत्येक कार्य को अपने तन मन धन से करना चाहिए। तो बच्चों, सभी बुक पढ़ेंगे। थैंक यू।